अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो जनाब आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हमने एक टेक्सला की मार्केट जो एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस मार्केट है। इधर जो है हर चीज़ बहुत ही अच्छे और मुनासिब रेट पर मिल जाती है और मैं आपको दिखाती चलूँगी कि ये देखें टेक्सला का जो मेन बाज़ार है जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये अब स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हर चीज़ जो है ना बहुत ही मुनासिब कीमत पे है। इवन कि यहाँ से लोग जहेज़ की भी चीज़ें लेके जाते हैं। आगे जो है अभी स्टार्ट होगा ये वाला एरिया, तो पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो आपको देख रहे हैं अभी, और जहेज़ से रिलेटेड जो है चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमें किसी ने बताया था कि फ़र्नीचर की यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी थोक के हिसाब से जो है ना फर्नीचर मिलता है यहाँ पे और ख़ुद ही यहाँ पे बन भी रहा होता है। तो पहले मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इनके जो शोरूम्स वगैरह हैं और जो इनका जो मतलब तैयार जो है ना फर्नीचर वो दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे ये बन रहे हैं इनके कारखाने हैं और साथ ही उधर ही इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, कारीगरों ने सारा काम कर रहे हैं अंदर कारखानों में, बड़े बड़े जो है मेयार पे फर्नीचर तैयार हो रहा है यहाँ पे। और एक और चीज़ जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगी वो ये कि यहाँ पर जो फर्नीचर है उसकी इन्होंने हमें जो है डिटेल्स में हम जैसे गए हैं तो हमने पता हमें जैसे पता लगा है कि फ़र्नीचर की तीन किस्में होती हैं, जैसे मतलब एक नंबर क्वालिटी लगाई हुई, एक दो नंबर, एक तीन नंबर, लकड़ी का फ़र्क आ जाता है, कपड़े का फ़र्क आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी क्योंकि यहाँ पे थोक के हिसाब से बन रहा है फर्नीचर, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो सही हमने डिटेल से एक्सप्लोर की है। तो अब आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हमारे साथ बने रहना है और वीडियो जो है आपने लाइक करनी है और सब्सक्राइब भी करना है हमारा चैनल। तो ये हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट जो फर्नीचर की मार्केट है, इधर से जो है अभी तैयार भी हो रहा है फर्नीचर। आगे जो है पहले हम देख लेते हैं उतर के जो जो बना हुआ फर्नीचर है पहले वो देख लेते हैं उनके शोरूम से। तो चलें चलते हैं ये वाली जो शॉप है, इधर काफ़ी ज़्यादा सोफे हैं और ये सब की प्राइस जो है 20 से स्टार्ट हो रही है और 30-35 तक जा रही है, बहुत ही मुनासिब है इस शॉप पर। पहले इस शॉप पर आए हैं तो जो है सोफे वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं और ये सब जो फर्नीचर है मतलब ये तैयार है, मतलब जो लोग आते हैं जिनको पसंद आता है वो डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर तो नहीं उसी टाइम पसंद करके ले जाते हैं और ये ऑर्डर पर भी बनाते हैं। इसके अलावा ये जो बेड वगैरह आप देख रहे हैं हर घर की हर चीज़ जो है जो फर्नीचर में आती है वो सारा यहाँ पर है। और ये जो 10 सीटर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी जो मैंने प्राइस पता की थी इसकी प्राइस 70,000 तक इन्होंने बताई है। चलिए हम आगे चलते हैं इस शॉप पे, उसी शॉप पे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी काफ़ी अच्छा जो फर्नीचर है सारा पैक पड़ा हुआ है क्योंकि ये रेडी है। और जो ये बेडिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं मैंने ये सारी पता की थी, ये जो बेड है ना इसका पूरा सेट जो है ये जो है 80,000 तक का, उसमें ड्रेसिंग भी आ जाता है, उसमें बेड भी आ जाता है और उसके अलावा उसमें जो साइड टेबल्स भी आ जाती हैं इसमें, और मतलब ये सेट ही हो गया ना बेड सेट जिसे बोलते हैं। तो ये मतलब इसकी मुख्तलिफ जो है क्वालिटीज़ वगैरह भी हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं रेट्स कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक रेट भी सारी चीज़ें मिलें। सो आप अगली दुकान पर भी ये देख लें जैसे कि हमें सोफ़े वगैरह पता करें, ये जो सोफ़ा है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी प्राइस ये 20,000 था, ये 5 सीटर है और ये नहीं सॉरी 25,000 इसकी कीमत जो इन्होंने बताई है और ये मुझे बहुत ही मुनासिब लगा। जैसे चलिए आगे ये देखें आप, ये वाला भी अच्छा है, जैसे ये सोफ़ा इन्होंने बताया है ये भी 22,000 का इन्होंने बताया है। तो काफ़ी अच्छे रेट्स हैं इनके, अगर दूसरी मार्केट से हम कंपेयर करें इसको तो ये इनके रेट्स अच्छे हैं और सारे सोफ़े जो है ना इधर जो हैं ये इसी रेंज में 25, 30, 40, वो जो 7 सीटर वगैरह 10 सीटर वो जाते हैं जो है 60-70 तक। चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहाँ पे ये फर्नीचर बनता है, जैसे इन्होंने अंदर शॉप से अंदर जाएं तो अंदर नीचे जाते जाएं तो उधर इनके कारखाने हैं उधर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये देखें जो इधर हैं ये भी बन रहे हैं, अभी ये रेडी नहीं है, ये भी पॉलिश हो रही हैं जो दिखा रहे हैं और ये इनके स्ट्रक्चर जो है आप जैसे देख सकते हैं ये बाहर पड़े हुए इन्होंने रखे हुए हैं। और चलें देखते जाएं। और एक और चीज़ बताऊँ, हमें जो इन लोगों ने बताया कि इसमें जो है एक नंबर जो क्वालिटी है उसकी अलग प्राइस है, दो नंबर क्वालिटी की अलग प्राइस और तीन नंबर क्वालिटी की अलग प्राइस है, मतलब तीन क्वालिटीज़ हैं इसमें, एक बहुत ही अच्छी लकड़ी है उससे थोड़ी कम है और फिर कुछ से कम, फिर उस पर कपड़ा भी उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जो सबसे अच्छी नंबर वन जो क्वालिटी है उसमें सबसे अच्छा कपड़ा जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो इसी तरह जो है फ़र्क आ जाता है और फिर कीमत में भी ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ़र्क आ जाता है। Thank you.
खाने जो अंदर करके हम गलियों से हो के आए हैं, ये सारा यहाँ पे गाइड करते हैं जितने भी इनके लोग होते हैं ना। ये देखें, ये सारा को जो है फर्नीचर इन्होंने रखा हुआ है। आप जो डिज़ाइन दिखाएं, जो ऑर्डर करना चाहें, आप इनको वो पिक्चर दिखाएं, उसके अकॉर्डिंग भी ये तैयार कर देते हैं और 5 दिन में वो बता रहे हैं कि हम तैयार करके दे देते हैं। और ये देखें आप कैसे थोक के हिसाब से यहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ है, और उसमें हर किस्म की जो है क्वालिटी का भी फ़र्क है, कपड़े का भी फ़र्क है। आपको अपनी मर्ज़ी का फर्नीचर जो है वो बड़े ही अच्छे मुनासिब रेट पे मिल सकता है। मैंने आपको अंदर तक जो है सारा दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगी ये वीडियो आपके लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।